सागर जिले की खुरई विधानसभा, जहां पर भाजपा और कांग्रेस के साथ करीब 27 प्रत्याशी मैदान में हैं। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भाजपा से तो कांग्रेस से अरुण उदय चौबे खुरई विधानसभा से चुनाव में उतरे हैं। लेकिन इसी विधानसभा में एक ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी है जिसके साथ ना तो समर्थकों की फौज है और ना ही प्रचार का कोई साधन, बल्कि वो अकेला ही वोट के लिए दौड़ लगा रहा है। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये खुरई विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी 78 वर्षीय राम गोपाल पांडे हैं। हम 78 वर्ष के हैं और ये गांव से जुड़े हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। फोजल गुरु फैंस हमारे साथ है और हर कार्य में हम ये चाहते हैं कि उनमें उत्साह है, जागृत हुए और उसी के लिए हम कार्य करते हैं, वो करेंगे। यदि हम चुनाव जीतते हैं तो वहाँ भी ये रहेगा हमारा लक्ष्य। राम गोपाल समाज सेवी, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और समाज को बदलने की मंशा से चुनाव मैदान में उतरे हैं, अपनी ही दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। पांडे का प्रचार का तरीका एकदम अलग है। प्रतिदिन राम गोपाल खुरई से गांव तक दौड़ लगाते हैं और लोगों से वोट करने की अपील करते हैं। पांडे दौड़ते दौड़ते ही अपने स्लोगन में नो फ्लैग नो सिंबल नो रैली नो पार्टी, जनता हाई अथॉरिटी के नारे के साथ दौड़ते हुए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। हम समाज सेवा तो कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमने मृत शरीर मरने के बाद देहदान भी कर दिया है। खोजल गुरु की क्या पहचान, समाज सेवा धावक और देहदान, ये हमारा नारा है और हम इसी को लेकर के अपना चुनाव प्रचार करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस विधानसभा के चुनाव की दौड़ में कौन आगे निकल पाता है। खुरई से मनोज वाधवानी, सागर टीवी न्यूज़।